नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है सभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों इस जो आप एक्सेल सीट देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 52 वीक के ऐसे स्टॉक्स जो 52 वीक का हाई ब्रेक कर रहे हैं उनकी हमने एक लिस्ट यहाँ पे निकाली है। अब हम उन स्टॉक्स के एनालिसिस करने वाले हैं जिन स्टॉक्स के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वॉल्यूम वॉल्यूम देखने वाला है। तो एक तो ये आपको स्टॉक दिख जाएगा, ये स्टॉक है धनी सर्विसेज लिमिटेड का। इस स्टॉक के अंदर 7% के चेंजेस आया है, प्राइस 73 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसमें हाई वॉल्यूम ये स्टॉक हमें दिख रहा है, तो इसको एनालिसिस करेंगे हम लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक यहाँ पे इंडियन होटल्स है, इसको डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। और फिर एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का स्टॉक कहाँ पे प्राइस चल रहा है, कहाँ पे एंट्री हम लोग बना सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस स्टॉक के अंदर। फेडरल बैंक का स्टॉक यहाँ पे भी हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और बाकी मेरे ख्याल से यही स्टॉक हैं जो आज की डेट में हम लोग वॉच कर सकते हैं, बाकी में वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट स्टॉक में धनी है, तो इन सबको हम वॉच लिस्ट में लगाएंगे। और साथ में तो हम लोग फेडरल बैंक से स्टार्ट कर लेते हैं कि फेडरल बैंक में क्या वहाँ, तो हमारे पास ये फेडरल बैंक का चार्ट है और इस चार्ट को हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे हम लोगों को ये फेडरल बैंक का चार्ट दिख पाए। फेडरल बैंक में किस तरह 1 आवर का चार्ट है, ये फेडरल बैंक का लगा हुआ है। और साथ में फेडरल बैंक का अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, एक दिन का चार्ट फेडरल बैंक में देखिए, डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। मीन एक रेंज है, रेंज मीन इसका जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ये कैंडल फेडरल बैंक की क्लोज होती हुई नज़र आई है आज के दिन पे। और साथ में अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है फेडरल बैंक में, और फेडरल बैंक में एक स्विंग ट्रेड्स बन सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 181 का स्टॉप लॉस और एंट्री का टाइम मीन यहाँ पे लग रहा है कि हम लोग एंट्री बना सकते हैं। अगर मंथली चार्ट देखें तो फेडरल बैंक कॉन्टीन्यूसली ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न दे सकता है फेडरल बैंक पे। जो लोग के पास शेयर्स हैं वो भी अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है फेडरल बैंक के अंदर कि वहाँ पे हम लोग उसमें चेंज देखें। तो फेडरल बैंक का ओवरऑल चार्ट ठीक है, ये एक लेवल है, सही लेवल हो सकता है एंट्री के लिए। इसमें मेरी कोई पर्सनल एडवाइस नहीं रहती, देखिए आप उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के शेयर को खरीदें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। तो फेडरल बैंक के अंदर किस तरह की कैंडल्स दिख रही हैं आपको, आपको पता है ये ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म पे ब्रेकआउट दिख रहा है। लॉन्ग टर्म पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है 206 रुपये के ऊपर और 210 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है फेडरल बैंक। तो ये था फेडरल बैंक का एनालिसिस। दूसरा स्टॉक जो हम लोगों ने यहाँ पर सर्च किया था फेडरल बैंक के बाद वॉल्यूम वाला स्टॉक, वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम NSE कोड इसका यहीं से कॉपी, इसमें शायद ये उस तरह की एक्सेल है जहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये देखिए ये स्टॉक है, ये मंथली चार्ट है, देखिए मंथली चार्ट बेहतरीन दिख रहा है। स्टॉक निकल चुका है, मीन जो एंट्री का लेवल यहाँ पे था 208 रुपये के आसपास था, अब ये 248 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। कई मौके मिले थे थोड़े से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, 132 का मौका था, मीन कुछ मंथ में ही ये 248 के आसपास ये पहुंच गया है। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आता नज़र आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे भी हमें एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग कप एंड होल्डर पैटर्न भी बोलते हैं, है ना, उसकी तरह से कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ बना कप एंड होल्डर पैटर्न, ये है ना अच्छा पैटर्न होता है, ये हमारा टारगेट इस स्टॉक में, ये जिसकी डिप है ये वाला हमारा टारगेट हो सकता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा द इंडियन होटल्स, ये तो अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में पहले भी एक बात हो चुकी है, फिर देख लेते हैं इंडियन होटल। देखिए इंडियन होटल में एक बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है, इंडियन होटल काफ़ी ऊपर निकल गया, इंडियन होटल एक्चुअली
जो इसका लेवल था, अगर यहाँ पे 720 के आसपास नहीं खरीदा गया और फिर इस लेवल पे 748 के आसपास नहीं खरीदा गया, तो अब दो कैंडल्स बन चुके हैं डेली चार्ट के अंदर। एक रिट्रेसमेंट अगर इस 748 के आसपास दोबारा आपको मिल जाता है या उस पर कोई छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आपको दिखता है तो इसको ले सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, मंथली चार्ट पर आपको बहुत अच्छा स्टॉक दिखेगा। देखिए कॉन्टिन्यूसली 60 रुपये से स्टॉक 700 रुपये 800 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक बहुत अच्छा है। फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस पहले एक वीडियो में करी गई थी, तो ये फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई है, ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई है। और नेक्स्ट कैंडल का अगर मुझे लो मिल जाता है 721 के आसपास, तो स्टॉक में बने रह सकते हो। जिनके पास है वो तो भाई इंडियन होटल्स में बने ही रहे, क्योंकि इंडियन होटल्स जैसे रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक है जिन्होंने दिए हैं या देते हैं। निफ्टी कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रहा है, ये स्टॉक वो है जो भाग रहे हैं, तो ऐसे में निफ्टी में तो नहीं कमाया जा सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे तो थोड़ा सा ये है कि एक हमें स्टॉक मिल जाते हैं स्विंग्स के लिए। इंडियन होटल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टॉक है धनी, है ना। धनी का भी एक पहले एनालिसिस करी थी काफ़ी पहले, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं धनी के अंदर क्या चल रहा है। धनी सर्विसेज के अंदर देखिए, धनी के अंदर कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद देखिए ब्रेकआउट नजर आ रहा है। कभी स्टॉक ही 700 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, देखिए 816 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी ये स्टॉक गिर के वापस आया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसका, तो जिसको ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, मीन 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये अच्छा मौका होता है, 800 का स्टॉक अब इतने डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है 73 रुपीज़ के आसपास। फंडामेंटल जरूर चेक करने हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो लोग अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर ले। 73 के आसपास कर रहा है ब्रेकआउट, ये देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट है 71 के आसपास। 70 अगर ये सस्टेन करता है ब्रेकआउट, तो आपको धनिया पे फिर 160 70 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं धनी ऐप के अंदर। धनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये, धनी एप्लीकेशन का मुझे पता नहीं है धनी एप्लीकेशन वाला है या धनी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है। तो ये यहाँ पे आपको 155 के आसपास का एक इसमें इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि टारगेट अगर ये देता है तो लोगों को अच्छा प्रॉफिट होने वाला धनी ऐप पे। ये जोन ऐसा है जहाँ पे लोग दो तरह से सोचते हैं, लोगों को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आके यहाँ तक पहुँच गया है, अब मीन 800 रुपये का स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया है, अभी कहीं हो सकता है ये और नीचे टूट जाए। कभी कभी स्टॉक ज़ीरो भी हो जाते हैं, तो उस तरह की भी थॉट सकते हैं। लेकिन अगर एनालिसिस आप करते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे तो अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कोई स्टॉक, तो उसमें एंट्री बनाते हैं। वॉल्यूम अच्छा है क्योंकि धनी बैंक के अंदर जिस तरह का वॉल्यूम दिख रहा है, उस तरह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि सारा खेल वॉल्यूम का है। धनी बैंक इसका, धनी फाइनेंशियल का जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है, पहले भी मैं आपको एक्सेल पर दिखा चुका हूँ। तो धनी इसको स्टॉक को कुछ इस तरह से ही देख सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स बन सकते हैं। आप अपने रिस्क पे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से, उनकी राय लेके इन स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं या अपने वेग पे बना सकते हैं अगर आप खुद भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।